गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 8:15 बज रहे हैं और हम लोग सब अब मंदिर के लिए निकल रहे हैं दर्शन के लिए श्री भोलेनाथ के। आपको मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ ठंड का कुछ हाल ऐसा है कि जिसको जो मिले, आग मिले, हीटर मिले, बल्ब मिले, तो बस हाथ सेक ले, थोड़ा सा शरीर में गर्मी बनी रहे। हमारे धीरेंद्र भाई बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, साथ में भैया भी रेडी हैं, सब चलने को तैयार हैं। विक्की भैया बाहर आ रहे हैं। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। आइए मोहित भाई, चले, आइए आइए साहब। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल है? लाइट हीटर सब बंद करिए। चलिए साहब। हमारा रूम लॉक हो चुका है, अब हम देखते हैं दूसरे रूम में क्या हाल चाल है। सब तैयार हो गए, यहाँ से आवाजें तो बहुत आ रही हैं। लगभग लगभग सब रेडी हैं। यहाँ बारिश हो रही है, ये अत्याचार है हमारे साथ। ये रात को कैसे सोए होंगे, ये सियासत हुई है हमारे साथ। कल ये हमारे साथ रात अत्याचार होता हुआ है, रात ये हमारे साथ। बिल्कुल जिंदा बूंदे हैं, जिंदा बूंदे हैं। कोई कहता नमी है, यहाँ जिंदा बूंदे हैं। अब हम लोग चल चुके हैं श्री जागेश्वर धाम मंदिर के लिए। जय बोलेगी। मतलब ऐसा दृश्य है कि क्या ही कहा जाए। देखिए मेरे पीछे श्री जागेश्वर मंदिर, यहाँ हमारे मित्रगण बैठे हैं। मतलब जमीन में इतनी ठंडक है, पत्थरों में, यहाँ पैर रखना तो बस ये समझ लीजिए कि सुन्न हो गए हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मजाक चल रही है, बहुत बढ़िया। और दिखाता हूँ मैं आपको। आ रहे हैं। जय भोले की। अंदर जो है वीडियो अलाउ नहीं थी, तो पूजा कराए हैं हम लोग सब लोग। माइंड डाल दिया
अब धीरेन्द्र भाई जरा हमें थोड़ा सा हाँ जी गाइड करें। जय बोले की, जय बोले की भाई, जय बोले की। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। जय जय भोलेनाथ। ये ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड, श्री ब्रह्मकुंड के दर्शन। ये बंद कर दिया, पहले इसमें स्नान हुआ करता था, खजाना रहता है। आप गणेश जी के दर्शन कराए, साक्षात गणेश भगवान देव जी हैं। जय जय गणपति महाराज की जय। इस शंकर पार्वती दोनों ही केदारनाथ मंदिर है जी, श्री केदारनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, श्री अन्नपूर्णा मंदिर। हैं कहने का मतलब शंकर पार्वती अर्ध नारी सर शंकर जो थे वही अवतार हैं, अर्ध नारी सर शंकर नीचे से एक और ऊपर जाके अलग रहते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बहुत सुना था मैंने, बहुत श्री अमरनाथ जी, श्री केदारनाथ जी मैं कई बार हुआ है। ये हमारे यहाँ से लगभग 310 किलोमीटर की दूरी पर है श्री जागेश्वर धाम, बट यहाँ आने का सौभाग्य मुझे अब प्राप्त हुआ है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ये रात में जो ओस गिरी है उनका अनुमान आप यहाँ से लगा सकते हैं।
तो मैंने भी उसे दिया कि मैं भी तुम्हारा नाम मुलाकात करा दूंगा। और उसके लिए मैंने हरी नाथ ने चाहा तो मैं परिवार के पहुँचेंगे ठंडा हो रहा क्या आज नहीं हो रहा आज तो ठंडा नीचे ठंडी हो रही है मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है यहाँ तो। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग आधे घंटे में ही स्नोफॉल शुरू होगा और अब हम श्री कुबेर जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। खुद भी दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। अब पहले सबसे पहले श्री बुटक भैरव मंदिर आइए मैं आपको। जय भोले की। अब हम श्री कुबेर मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हैं, आइए आनंद लेते हैं रास्ते का। हल्की हल्की बारिश हो रही है। भगवान जी ने वो करा हुआ है जगह घूमिए। चारों तरफ का जो सौंदर्य है जय भोले की। श्री कुबेर जी के दर्शन जितने हो सके आप लोगों को मैंने करा दिया, बट यहाँ वीडियो अलाउ नहीं थी, फिर भी कोशिश करके थोड़े से दर्शन आप लोगों तक पहुँचाने की मैंने कोशिश की है। अब यहाँ थोड़ी देर और रुकते हैं, भंडारा होने को बताया गया है कि पंडित जी ने की थोड़ी देर में जो है प्रसाद मिलेगा, तो प्रसाद लेकर के फिर आगे पाताल भुवनेश्वर की तरफ स्थान करेंगे। जय भोले। ये बताते हैं कि श्री कुबेर जी शंकर जी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं और अपने मित्र को अपने से ऊंचा स्थान दिया है, उन्होंने अपने से ऊंचे पे रखा है, अपने से ऊंचे पे मंदिर है उनका। यहाँ से सामने मंदिर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लुभावनी है। विश्वसनीय, एक नंबर जिसको कहते हैं ना हमारे, एक नंबर।
सुबह सुबह के दर्शन बहुत ही आराम से हो गए हम लोगों को। अब जो है भीड़ बहुत बढ़ती नज़र आ रही है, बहुत भीड़, एंट्री पे ही इतनी भीड़ है। जय भोले बाबा। जय भोले की। बस जागेश्वर धाम जी को बाय बाय करने का समय है, उनसे कह के आए हैं कि हमें जल्दी बुलाना। और यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, तेज है, देखते हैं। कहते हैं लोग यही रहे हैं कि यहाँ स्नोफॉल हो जाएगा किसी भी टाइम, बट अपने पास अब इतना टाइम नहीं है, हम लोग को आगे जाना है श्री पाताल भुवनेश्वर की तरफ। तो अब आगे बढ़ते हैं, नाश्ता वास्ता सब कर चुके हैं, बस गाड़ी में बैठना है, आगे मिलते हैं। जय भोले की। जय भोले की।